Good morning and welcome to all of you. Today, this is the first lecture of our new year in BSc First Year Physics, and I'm going to teach you paper number 2 in first semester, that is heat and thermodynamics. Heat and thermodynamics. So after 2021, the modification in syllabus has been done, and we have included some new things in our physics heat and thermodynamics syllabus, that is thermometry also. So we'll also study this thermometry in detail in this chapter. So first of all, we'll see what is heat and thermodynamics, because our first chapter is nothing but on thermometry. The first part is on thermometry. Before it, we are going to study, or we are going to differentiate between heat and temperature. So what is heat and what is temperature? So first, we will understand what is heat. So we always study or listen this heat term. आपण नेहमी हे ऐकतो की हे heat म्हणजे पूरी जगह उष्णता म्हणून म्हणतो. हीट आहे काय? ऍज अ फिजिक्स स्टुडंट तुम्हाला काय माहिती पाहिजे हीट बद्दल? हीट माहिती सर्वांना आहे, पण ऍज अ फिजिक्स स्टुडंट तुम्हाला काय माहिती पाहिजे हीट बद्दल? तर तो आपण इथे शिकणार, म्हणजे आपण मोजतो कसं. कारण नॉर्मली लोकांना माहिती आहे हीट, पण फिजिक्सच्या विद्यार्थ्यांना काय माहिती हीट बद्दल? तर तो आपण इथे शिकणार. तर हीट ट्रान्सफर कशी होते, एक पाथ म्हणजे पाथ काय काय राहतात, एका पॉइंट ने दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत हीट जाते कसे, तोच आपल्याला ह्या सिलेबस मध्ये पूर्ण शिकायचा. तर फर्स्ट पार्ट आहे ह्या पेपर 2 चा हीट, आणि सेकंड पार्ट आहे थर्मोडायनामिक्स. त्याच्यामध्ये फर्स्ट चॅप्टर भाग आहे आपला थर्मोमेट्री अँड ट्रान्सफर ऑफ हीट. थर्मोमेट्री अँड ट्रान्सफर ऑफ हीट. तर हे थर्मोमेट्री पहिल्या सिलेबस मध्ये देणार होता, आता 2021-22 नंतर हे इंक्लूड झालेला आहे, तो पण आपल्याला इथं बघायला. त्याच्या अगोदर आपण इथं बघणार हीट. व्हॉट इज हीट अँड हाऊ इट इज मेजर्ड. सो वी ऑल नो एटम्स ऑर मॉलिक्युल्स आर देअर इन एव्हरी सब्स्टन्स. सो व्हॉट हॅपन इफ वी गिव सम एनर्जी टू दीज एटम्स. काही एनर्जी जर आपण त्यांना सप्लाय केली, तर एटम्स काय करतात, व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात करतात. हे ॲटम्स व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात करतात, आणि याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते पण व्हायब्रेट होतात, मोशन करतात. पण जर ही सप्लाईड आपली जे हीट आहे, सप्लाईड जी एनर्जी आहे, इफ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तरी इलेक्ट्रॉन्स व्हायब्रेट होतात, पण इट इज अ रँडम मोशन, एका डायरेक्शनमध्ये मोशन होत नाही, म्हणजे नेट करंट तिथून झिरो राहतो. पण होतो काय की हे एकदम जेव्हा व्हायब्रेट होतात आणि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होतात, त्याच्यामुळे इथं काय तयार होते, हीट तयार होते. काय तयार होते, हीट. समजा आज आपल्या रूममध्ये सध्या टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, बट इफ वी टच अ वूड अँड इफ वी टच अ मेटल मीन्स युअर डेस्क, देन व्हॉट विल हॅपन. अगर आप वुड को टच करेंगे, इफ यू टच अ वुड, देन यू विल सेंस लेस हीट, यू विल सेंस लेस हीट. एंड इफ यू टच अ मेटल, देन यू विल ऑब्जर्व सम मोर हीट. बट टेम्परेचर इज सेम, इट्स एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज हीट इज ऑल्सो सेम. बट हो रहा क्या है, ट्रांसफर इज ऑफ हीट इज मोर इन मेटल्स कंपेयर टू द वुड. यानी वुड से आपके बॉडी में जो ट्रांसफर ऑफ हीट है इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए आपको वुड का टेम्परेचर इजीली ऑब्जर्व नहीं होता. लेकिन वही टाइम में वही सिचुएशन में उसी हॉल में अगर आप टेबल को टच करोगे मेटल के, तो आपको सेंसेशन ज्यादा होता. क्या सेंसेशन का, अपन बोलते हैं टेम्परेचर. क्या सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, क्या बोलते हैं टेम्परेचर. आणि दोघांचा पण टेम्परेचर सेम है, पण ट्रांसफर ऑफ हीट इज डिफरेंट. वुड से अलग ट्रांसफर हो रहा है और मेटल से अलग. वुड से इजिली ट्रांसफर होगा क्या हीट, नहीं. ट्रांसफर इजिली कहाँ से होगा, मेटल से होगा. ट्रांसफर इजिली कहाँ होगा, मेटल का. इसीलिए तो हम बर्तन मेटल्स की यूज करते हैं, उनके का यूज करते हैं, क्योंकि उनसे ट्रांसफर इजिली होता है. बट अगर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो क्या होता है,
आप बोलोगे मूड भी तो चलता है, लेकिन वो क्या करता है एट दैट टाइम ये वाइब्रेशन इतना बढ़ जाता है, ये वाइब्रेशन इसको वाटो कि हे ये बॉन्ड आहे जो मध्ये तो ब्रेक होगा तो आणि तिथं आपला जे मटेरियल आहे तो ब्रेक व्हायला किंवा जळायला सुरुवात होते. वूड असेल तर जळणार आणि दुसरा कोणी हाय मेटल असेल तर जळणार. ठीक आहे, तर व्हॉट इज हीट? व्हॉट इज हीट? हीट इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट पूर्ण सबस्टन्स की हीट म्हणजे काय? हेपर वाइब्रेट होतो, हेपर वाइब्रेट, हेपर समजा याचं वाइब्रेशन असेल 1.1, याचं असेल 1.2, याचं असेल 1. तिघांचं वाइब्रेशन वेगळं आहे. एका सबस्टन्स मध्ये इन एनी सबस्टन्स देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिलियन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. बट आप हीट समझेंगे कैसा, समझना कैसा, किस तरह से समझेंगे आप? इट इज नथिंग बट एवरेज एनर्जी ऑफ दिस सब्सटेंस और एवरेज एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. एंड व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी? इज एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेशन. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तर आपण याला मेजर कसं करणार? इन जूल्स. इन जूल्स. इन जूल्स बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ जूल्स और कैलोरीज में भी अपन इसको मेजर करें. सो हीट इज नथिंग बट एवरेज energy per molecule. Average energy per molecule. म्हणजे याची या तिघांची जर average energy बघितली तर याची energy काय आहे? 1 राहणार, याची पण 1, याची average energy. म्हणजे या सिस्टमची average energy किती राहणार? 1 calories जर आपण कन्सिडर केलं, 1 calories per molecule. Per molecule. So this is nothing but average energy. कारण इथून बाहेर जे heat आपण सेन्स करणार ते या सगळ्यांचा एव्हरेज राहणार. म्हणूनच आपण फक्त या एटमची किंवा या मॉलिक्यूलची एनर्जी बघणार नाही, आपण पूर्ण सबस्टन्सची एनर्जी बघतो. त्यामुळेच आपण याचा काय करतो? एव्हरेज घेतो आणि त्यालाच आपण म्हणतो हीट. दॅट इज नथिंग बट एव्हरेज एनर्जी पर युनिट मॉलिक्यूल, पर युनिट मॉलिक्यूल. अँड हाऊ वी मेजर इट? इन कॅलरीज, इन जूल्स. इन कॅलरीज ऑर इन जूल्स. नाउ वी विल अंडरस्टँड व्हॉट इज हीट. It is nothing but form of energy. Now you see what is temperature. Temperature kya hota? So as already I told you that if you touch a metal and if you touch a wood at the same time, you will observe more sensation on metal with respect to the sensation in wood. Because the transfer of heat is different in different substances, but temperature is same. So temperature is nothing but सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. अगर सादी सीधी इसमें फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो टेम्परेचर इज नथिंग बट सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. दैट इज नथिंग बट अ टेम्परेचर. सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है? ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर. सो टेम्परेचर क्या है? अगर हीट यहां से ये सब्सटेंस से या फिर एक सब्सटेंस से और ये सब्सटेंस में जा रही है, इसका मीनिंग क्या है? देयर इज लेस हॉटनेस हियर, मींस लेस टेंपरेचर हियर, एंड देयर इज मोर हॉटनेस हियर, मींस टेंपरेचर चेंज की वजह से इधर टेंपरेचर कम है एंड इधर सेंसेशन ऑफ हॉटनेस इज लेस, इधर सेंसेशन ऑफ हॉटनेस इज मोर. तो इसीलिए हीट इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है यहां से. अब सब बोलेंगे कि हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड ही क्यों जाती, कोल्ड टू हॉट क्यों नहीं जाती, हॉट टू कोल्ड ही क्यों जाती, कोल्ड टू हॉट क्यों नहीं जाती. ये इतना सिंपल है. व्हाई इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी? Remember one thing, heat is always transferred due to change in temperature and it is transferred from hotter to cooler body, hotter to cooler body. And heat is a form of energy, average energy of per unit molecule. It we calculate in joules or calories, calories or joules, and it is transferred due to change in temperature. What is temperature? It is sensation of hotness or sensation of coldness, and heat is
always transfer from hot body to cold body. इतने आप ज़्यादा बजे की high hot to cold का transfer होते हैं. तो है hot material है अने इतने से बाजू लाए cold material है. Hot की बाजू cold material हमने रखा है. अब हमको मालूम है heat क्या है. Heat के time पे molecules क्या होते हैं, vibration होते हैं. Vibration की वजह से जो energy होती है वही heat होती है, average energy. ठीक है, अब ये समझो ज़्यादा hotter है. Suppose this is more hotter compared to this 25 degrees. Now, सीधा सीधा अगर हम locally बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि heat is transferring from 50 degree to 25 degree. थोड़ी देर के बाद ये दोनों का temperature same हो जाएगा and it will be the average compared to the surrounding temperature. It depends on surrounding also. तो surrounding temperature पे भी depend करता है. ऐसे जरूर नहीं कि इसका भी 50 हो जाए. Surrounding temperature से भी ये होता है and that we will study in Newton's law of cooling. वो हमने 12th में भी देखा है Newton's law of cooling. That what it says that rate of change of temperature d theta by dt is directly proportional to the surrounding temperature. Surrounding temperature जैसा है वो हिसाब से भी rate of change of temperature होता है. अगर surrounding temperature 25 degree है ये धीरे धीरे ये bodies भी कहाँ adjust होने जाके 25 डी. अतः इथा आपका क्वेश्चन है कि हॉटर टू कोल्ड कूलर्स का है. आपल्याला माहित आहे समजा हे जास्त हॉटर आहे म्हणजे जास्त व्हायब्रेशन आहे आणि हे कमी हॉटर आहे म्हणजे कमी व्हायब्रेशन. आता काय होणार, यांना जर टच केलं तर हे इकडचे जे मॉलिक्युल आहे इकडचे मॉलिक्युल एकमेकाला धडक देणार. पण एनर्जी कोणाची जास्त आहे, एनर्जी किसकी ज्यादा आहे, एनर्जी है इस साइड के मॉलिक्युल्स की. इस साइड के मॉलिक्युल ज्यादा व्हायब्रेट हो रहे, इस साइड को मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं. अब ये बताओ आपको कि एक अगर हम एग्जांपल लेंगे, एक स्टूडेंट चंचल है और एक स्टूडेंट एकदम लेजी है, तो इस साइड के स्टूडेंट लेजी है, इस साइड के स्टूडेंट ज्यादा चंचल है, तो क्या होगा, चंचल स्टूडेंट्स और लेजी स्टूडेंट्स को गैलरी में हमने छोड़ दिया, तो चंचल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेजी स्टूडेंट्स को भी क्या करेंगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, धक्के देकर भागेंगे. तो वैसे ही यहाँ पर होता है, ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है और उस वजह से ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, उनका भी वाइब्रेशन, इनकी एनर्जी इधर ट्रांसफर होती है. इनकी एनर्जी इधर क्यों ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी लेजी है, इनके पास लेस एनर्जी है, लेस एवरेज एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल है. म्हणून एनर्जी कुठून कुठून ट्रांसफर होना, हाई टू टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. त्यामुळे नेहमी हीट कुठं फ्लो होणार, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. ये हमेशा याद रखना है, हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, नॉट कोल्ड टू हॉट. अब आप बोलेंगे कि अगर हमने कभी पानी गर्म रखा, अगर हमने कभी पानी ठंडा रखा और मौसम चल रहा है गर्मियों का, तो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता, ये कैसे होगा. बट इसमें क्या हुआ कि सराउंडिंग टेम्परेचर से हीट कहाँ आई, वो आपके बकेट में ही, वो पानी को गर्म की. ऐसा नहीं हुआ कि हॉट तो कूलर मॉलिक्यूल से बकेट की वो बाहर गए, ऐसा नहीं हुआ. सराउंडिंग टेम्परेचर जो है उसका इफेक्ट आपके बकेट पर पड़ा और वो बकेट धीरे धीरे टेम्परेचर उसका रेज हुआ, कहाँ तक हुआ, सराउंडिंग टेम्परेचर तक हो गया और वो बकेट का टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर सेम हो गया, सेम हो गया. ठीक है, समझ लो. तब आज हे अपने पहले लेक्चर से पहले चैप्टर की शुरुआत होती, तर अपन या चैप्टर मध्ये काय काय बघितलं कि हीट काय आहे, हीट राहती काय, एवरेज एनर्जी ऑफ परमानेंट मॉलिक्यूल आहे, त्याच्यानंतर हीट ट्रान्सफर कशी होतो, हॉट टू कोल्ड का होतो, हीट आपण मेजर कसं करतो, देन वी हैव सीन व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर इज अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एंड टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हॉट टू कोल्ड ही जाती है. एंड नेक्स्ट In the next lecture, we will start our first part of this chapter, thermometry. ते अपने लोग आगे से अन्य ये समझे अपने लोग ये different scales कौन बोलेंगे? अपने लोग माइंड different scales कौन-कौन-से हैं? अपन maybe centigrade scale use करते हो, अपन scientific calculation में दे, अपन Kelvin scale use करते हो, then we know Fahrenheit scale also. ये देखे होंगे आपने कभी-कभी degree centigrade का इस तरह से लिखा हुआ था. और केल्विन के लिए इस तरह एंड फेरनहाइट इस तरह, तो ये तीनों स्केल और एक चौथी स्केल है. वो चारों स्केल्स के अंदर क्या रिलेशन है, क्यों हम यूज करते हैं ये स्केल, जनरली यूज दिस स्केल सेंटीग्रेड स्केल,
अभी जो टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ आपको तो मैं बताऊँगा इस 30 degrees नाउ, बट इन कैलकुलेशन इन फिजिकल कैलकुलेशन इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी यूज दिस डिग्री कैलकुलेट एंड वॉट इज फैरनहाइट, कहीं कहीं फैरनहाइट भी यूज करता हूँ बट जनरली डे टू डे लाइफ में और साइंटिफिक लाइफ में भी हम ये यूज नहीं करते, हम यही यूज करते हैं और डेली लाइफ में हम सेंटीग्रेड से यूज करते हैं, बट इन यूरोपियन कंट्रीज यू विल सी फैरनहाइट स्केल ऑल्सो ये स्केल यूज करते हैं। या अगर आपने थर्मामीटर देखा होगा जो डॉक्टर्स के पास रहता तो वो भी फैरनहाइट स्केल ही होता था, उसमें हम बोलते हैं 108 फीवर है, सो इट इज नॉट 101 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज 101 फैरनहाइट। अगर 108 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तो आदमी को गर्मी चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वाटर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, बट इट इज फैरनहाइट जो डॉक्टर्स के पास थर्मोमीटर रहता जो हमारे दबान के नीचे रखते हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट थर्मोमेट्री। ओके, सो थैंक यू।